आज मैट्रिसेस का जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो बता दे रहे हैं। दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसके बाद मैट्रिसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डिटरमिनेंट के अंदर भी जो भी मैट्रिसेस का पार्ट है वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है फॉर्मेट हम बता दे रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये तीन इक्वेशन दिए हुए हैं। देखो ये पहले से भी बनाना जानते हो, सिर्फ थोड़ा सा हम बता रहे हैं यहाँ पे कि पुट 1 बाय एक्स इक्वल टू यू, 1 बाय वाई इक्वल टू बी एंड 1 बाय जेड इक्वल टू डब्ल्यू, द इक्वेशन बिकम्स, मतलब 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई, 1 बाय जेड की जगह पे क्या डाल दे रहे हैं, यू बी डब्ल्यू। इक्वेशन कैसे हो जाएंगे, 2u 3v 10w equal to 4, 4u 6v 5w equal to 1, 6u plus 9v minus 20w equal to 2। ये हमने क्या किया कि 1 by x, 1 by y, 1 by z की जगह पे हमने u v w प्लेस कर दिया, तो इससे ये इक्वेशन हमारा बिल्कुल पहले की तरह हो गया। अब ये जो इक्वेशंस मेरे पास हैं इनको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके हम यू बी डब्ल्यू की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। पहले से प्रोसेस पता है, वही पुराना वाला कि द अबव इक्वेशंस बनाएंगे नहीं, हम फॉर्मेट बता दे रहे हैं। मे बी कैन लिख दो और बेटर है, कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी, वेयर ए इज इक्वल टू 2, 3, 10, 4, माइनस 6, 5 और 6, 9, माइनस 20। x कौन होगा, इस बार हमारा x होगा u, v और w, और हमारा b क्या होगा, इक्वल के राइट साइड वाला कांस्टेंट जो कि मेरा कितना है 4, 1, 2। तो ये अपना ए एक्स और बी आ गए। जब हम इसको एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, यहां तक पहुंचने के लिए पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, वो सब बता दिया जा चुका है। जब इसको हम एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद वैल्यू किसका निकलेगा, यू का निकलेगा, बी का निकलेगा और डब्ल्यू का निकलेगा। मान लो पूरा सॉल्व करने के बाद यू का वैल्यू 1/2 आया, बी का वैल्यू 1/3 आया, डब्ल्यू का वैल्यू 1/5 आया, कुछ भी आ सकता है, चेक कर लेना बना करके। तो अगर सॉल्व पूरा करने के बाद यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू इतनी निकल के आ रही है, इसका मतलब है कि अब हम यहां से एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं, जो मेरा रियल अननोन्स था, एक्स वाई जेड जो रियल वेरिएबल्स था जो हमको फाइंड करना था। तो 1/x इक्वल टू यू है तो यू इक्वल टू 1/2 है तो यू इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। v इक्वल टू 1/3, 1/y इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, w इक्वल टू 1/5 और w की वैल्यू कितनी है 1/z है, तो z बराबर क्या हो जाएगा 5। लास्ट में लिख देना हेंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 5। मतलब बनाने के मेथड में कोई चेंज नहीं है, बस क्वेश्चन अलग तरीके से दिया हुआ था तो उसको हम लोग थोड़ा सा सेट कर दिया अपने हिसाब से। अब एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बताते हैं सुबह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मैट्रिसेस का, इसके बाद अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट का ज्यादातर सेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, जो बचा हुआ चीज है वही पढ़ना है। दिया हुआ है कि भाई ए और बी की वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन बोला फाइंड ए बी, तो मल्टीप्लाई करना तो कोई भारी बात नहीं है, मल्टीप्लाई तो आसानी से कर लोगे। यूज दिस टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, मतलब ए बी जो भी रिजल्ट देगा ए और बी मल्टीप्लाई करने पे, उस रिजल्ट का यूज करते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए। अब ये तो बिल्कुल नया क्वेश्चन हो गया। तो जैसा हम तुम लोगों को बता रहे थे कि अगर कभी बोलता है यूज दिस या हेंस लिखा रहता है, जो रिजल्ट हम लोग निकाले हैं उसी रिजल्ट का यूटिलाइज करना है, उसी के यूटिलाइज से हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है। और कैसे यूज हो सकता है, देखो क्वेश्चन और भी कुछ हो सकता है, लेकिन हम तुम लोगों को जनरल आइडिया दे रहे हैं। बाकी हम लोग ग्रुप पे, जो हमारा ग्रुप है वीसी का, वहां पे जो भी डाउट होगा तुम लोग पूछना, हम वहां पे डिस्कशन कर लेंगे। अब यहां सबसे पहले ए बी निकालते हैं फिर आगे बताते हैं। देखो
ए बी जब बना रहे हैं तो माइनस फोर 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 माइनस सेवन वन थ्री फाइव माइनस थ्री माइनस वन, यहां थोड़ा हम डायरेक्ट लिखेंगे बी वन माइनस वन 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 माइनस टू टू वन थ्री। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो एट जीरो 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 एट जीरो और जीरो जीरो एट आएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए बता दिया गया इसलिए नहीं बना रहे बिल्कुल, मेरा काम है चीजों को समझाना कि कैसे हुआ, सॉल्व तुम करो क्योंकि तो बहुत हम सॉल्व करके पहले दिखा चुके हैं। तो ये ए बी की वैल्यू हो गई, ए बी का जो वैल्यू आ गया मेरे पास, अब यहां से तुम ध्यान से अगर इसको देखोगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एट वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, एट से मल्टीप्लाई होगा इसमें तो यही वाला मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब है कि ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, एट इंटू आई, है ना। अब यहां पर आ जाओ, मल्टीप्लाई तो हम लोग कर चुके हैं, ये क्यों किए अभी बताते हैं। जब हम इन इक्वेशंस को ध्यान से देख रहे थे तो इसमें जो एक्स वाई और जेड का कोफिशियंट है वन माइनस वन प्लस वन, ये देखो यहां बी में दिख रहा है, वन माइनस टू ये भी यहां दिख रहा है, टू वन थ्री ये भी यहां दिख रहा है। तो अगर तुम 4.6 बनाए हो या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी तुमने बनाया है तो याद आना चाहिए कि जो कोफिशियंट मैट्रिक्स इसका बनता है, कोफिशियंट मैट्रिक्स जो बनता है उसी मैट्रिक्स के इनवर्स का जरूरत हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में होता है। जो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट का मैट्रिक्स बनता है उसी मैट्रिक्स के इनवर्स का यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने में होता है, जो कि हम लोग फॉर्मूला बनाते थे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, याद करो उसमें ए जो होता था वो हमारा कोफिशियंट मैट्रिक्स हुआ करता था। इसका मतलब है कि इसका जो कोफिशियंट मैट्रिक्स है वो बी में मैच कर रहा है सेम टू सेम। तो इस इक्वेशन को, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें बी के इनवर्स की जरूरत पड़ेगी आगे, और हम बी का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी के मेथड से नहीं निकाल सकते क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया कि यूज दिस टू सॉल्व, मतलब उसी को यूज करके सॉल्व करना है। तो हमें बी इनवर्स जो चाहिए, क्यों बी इनवर्स, ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहां पर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा है वो बिल्कुल मैच किससे कर रहा है, बी से। तो अगर हमें बी का इनवर्स चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं जो ए बी हमने निकाला है उसी से बी का इनवर्स ढूंढ कर रख लेना पड़ेगा ताकि हम आगे उसका यूज डायरेक्ट कर सके। तो ये भी हो जाएगा कि हमने मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व किया, जो कि कहा भी गया है। तो अब सवाल है कि हम बी का इनवर्स कैसे निकालेंगे, यहां तो ए बी इक्वल टू एट आई आ रखा है। देखो जरा ध्यान से, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बी इंटू ए बाय एट इक्वल टू आई, या तुम ऐसा देखो, चलो इसको इधर ही लिख देते हैं, ऐसा लिखें कि ए बी बाय एट इक्वल टू आई, स्टेप वाइज थोड़ा बता देते हैं। तो ये एट तो दोनों के नीचे में आया, दोनों मैट्रिक्स है तो एट तो हम इसके नीचे भी लगा सकते हैं, ये तो हम इसके नीचे भी लगा सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसा लिखें कि ए बाय एट को एक ब्रैकेट में डाल दें और यहां बी अलग कर दें और आई एट इसमें लिखो क्या फर्क पड़ता है ना। तो मैट्रिक्स ए के साथ एट क्यों लगाया वो भी क्लियर कर देते हैं अभी तुमको। एक बात याद होगा कि ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, आई, मतलब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिसमें एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स है तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, आई आता है। यहां पर भी देखो सेम चीज फॉलो हो रहा है, ये एक मैट्रिक्स ये दूसरा मैट्रिक्स दोनों का प्रोडक्ट कितना है, आई। तो जब दोनों का प्रोडक्ट आई है, जब दोनों का प्रोडक्ट आई है इसका क्या मतलब है कि दोनों ही मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। कौन दोनों मैट्रिक्स, एक मेरे पास है बी और एक है मेरे पास ए बाय एट। इसलिए हमने बी को अलग किया क्योंकि यहां से ये समझ में आ रहा था कि हमें बी के इनवर्स का पता लगाना है, बी का इनवर्स है ना। रिपीट, हमें बी के इनवर्स का पता लगाना है इसलिए हमने बी को अकेला रखा। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ए के इनवर्स का पता लगाना है तो एट को किसके नीचे डाल दो, एट को बी के नीचे डाल दो। तो यहां ये जो हमारा सिचुएशन दिख रहा है इसको हम कह सकते हैं कि फ्रॉम डेफिनेशन वी हैव, किसका डेफिनेशन, इनवर्स का डेफिनेशन,
बी एंड ए बाय एट आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब बी और ए बाय एट ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, ठीक है। बी और ए बाय एट एक दूसरे क्या है, इनवर्स है। बी और ए बाय एट एक दूसरे क्या हो गए, इनवर्स हो गए। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर बी इनवर्स इक्वल टू ए बाय एट। जैसे देखो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू, अगर वैल्यू निकालना चाहें कि हाँ भाई ए का इनवर्स कौन है, तो जब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, छोड़ो, जब दोनों दूसरे के इनवर्स हैं, तो कोई पूछेगा कि ए का इनवर्स कौन है, इसका इनवर्स कौन है, इनवर्स ऑफ ए, तो हम कहेंगे कि ये वाला ए इनवर्स। वैसे ही हमने किया कि बी का इनवर्स कौन है, तो दूसरा वाला मतलब ए बाई एट है, क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। अब हमें बी का इनवर्स चाहिए था, क्योंकि बी के इनवर्स से ही क्वेश्चन बनेगा, तो a by 8 आ रखा है, तो 1 by 8 को बाहर ही रखते हैं और a को यहां पे लिख लेते हैं, माइनस 4 4 4 माइनस 7 1 3 5 माइनस 3 माइनस 1। ये देखो कि हमने मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हुए b का इनवर्स फाइंड कर लिया, जिसकी जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली है। कैसे समझे थे पहले ही बताए हैं, वीडियो को वापस बैक करके देख लेना। अब यहां से आगे बिल्कुल पुराना वाला फंडा है, b का इनवर्स मिल चुका है, हम यहां लिखते हैं कि लेट, चलो यहां पर x नाम दे देते हैं x y z, और देखो a भी ऑलरेडी यूज है, तो चलो c ले लेते हैं 491। यहां लिखेंगे द इक्वेशंस, यहां लिख दो, अगर पहले लिख दिए हो दोनों को तो लिख दो सो दैट, मैंने इसलिए हमने ऐसा माना, द इक्वेशंस कैन बी रिटेन एज बी एक्स इक्वल टू सी। बी ये वाला बी कौन सा बी, ये वाला बी, बी एक्स इक्वल टू सी, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। और जब ऐसा फॉर्मेट होगा तो याद करो जैसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते थे वैसे बी इनवर्स से करेंगे, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई इधर भी कर दिए, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई इधर भी कर दिए, एसोसिएटिव लॉ प्रैक्टिस किए होगे पहले तो आसानी से समझ में आएगा, नहीं किए हो तो करो, आई एक्स इक्वल टू बी इनवर्स सी, तो x का फॉर्मूला क्या बी इनवर्स सी। फाइनली ये जो हमारे लिए फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो गया है x का फॉर्मूला बी इनवर्स सी, हमारे पास बी इनवर्स की भी वैल्यू है, हमारे पास c की भी वैल्यू है, हम दोनों को बिठा देंगे, सॉल्व कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि x के लिए बी इनवर्स की वैल्यू 1 बाय 8 माइनस 4 4 4 माइनस 7 1 3 5 माइनस 3 माइनस 1, सी की वैल्यू 491। अब तुम्हारा काम है कि तुम इसको मल्टीप्लाई करो, जो भी मल्टीप्लाई करके आता हो उसको 8 से डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद लास्ट में एक्स वाई जेड यहां लिखो, और जो भी यहां पर आंसर आए इक्वेट करो, और तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाए। सॉल्विंग तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसको कैसे करोगे नहीं करोगे, जो भी मान लो यहाँ पे 1 2 3 आया तो x का 1 y का 2 z का 3 x का वैल्यू माइनस 3 2 1 कुछ भी आ सकता है, तो वो तुम सॉल्व करके देखो। लेकिन हमको लगता है फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हमने मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हुए b का इनवर्स फाइंड कर लिया, तो जो कहेगा कि हाँ भाई ये प्रूव करो उसके बाद a इनवर्स निकालो, तो जो रिजल्ट आएगा उसका यूज करना पड़ेगा, कहेगा ये फाइंड करो फिर a इनवर्स निकालो या इन इक्वेशंस को सॉल्व करो, इक्वेशंस जो दिए हुए, तो तुमने जो वैल्यू निकाली है तुम्हें उसी के यूटिलाइज से इनवर्स फाइंड करना होगा और इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन इस बात का बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर इसके अलावा मैट्रिसेस में कोई डाउट रह जाता है तो हम लोग जो ग्रुप पे डिस्कशन करेंगे, अब यहाँ क्लास में मैट्रिसेस का डिस्कशन खत्म, 7 मार्क्स का जो सिलेबस है मैथ्स के अंदर तुम लोगों का एकदम कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।